यार गाइस, अभी इस समय हो चुकी है दोपहर और काम वगैरह मेरा चल रहा है, नॉर्मल काम वगैरह। ठीक है, एक सामान आया है, ऑर्डर मैंने दिया था। ठीक है, सो देखते हैं वो क्या सामान है और फिर मैं आपको बताता भी हूँ। तो चलिए ले लेते हैं उस सामान को और आते हैं फिर वापस। ठीक है, सो लेट्स गो। तो यार अभी इस समय हो चुकी है शाम और ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो सामान वगैरह था उसको लगा लिया, लाइट वगैरह भी लगा लिया है। अभी फिलहाल सब लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, तो चलते चलिए देखते हैं क्या बना है आज के नाश्ते में। शाम का तो ऐसे थोड़ा सा नाश्ता रहेगा बनाया, क्योंकि पापा ऑफिस से आते हैं तो उन्हें भी थोड़ी भूख लगी रहती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या बना है अभी फिलहाल नाश्ते में और फिर मैं मिलता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो आयुष कल कोई चैलेंज हो जाए? खाना जल्दी खाने का भी कर सकते हैं, मतलब अच्छा लगेगा या तो अभी नहीं, सैटरडे संडे को देखा जाएगा, अभी थर्सडे फ्राइडे भी जा सकते हैं, संडे वगैरह को अराउंड देखेंगे। सो यार गाइस, अभी इस समय तो घर में ही है, क्या ही करें, क्या ऐसा कुछ खास काम भी नहीं है। ऑफिस के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ क्या किया जाए, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्या किया जाए। तो वही होता है, हम लोग कुछ बनाते हैं, खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही करते हैं। अभी मैं गया था सामने, मतलब सामान लेने गया था, कुछ बेसिक घर के सामान थे जो ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसे मन नहीं कर रहा था यार, इधर उधर की न्यूज़ वगैरह सुन के भी और थोड़ा मतलब डर भी लगता है, इसलिए मैं मोबाइल निकालता ही नहीं हूँ। जाता हूँ तो मोबाइल नहीं निकालता हूँ, जेब में ही रखा रहता हूँ, और एक राइट हैंड को किसी भी सामान के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, और सिर्फ अपना वापस आ जाता हूँ। तो वो चीज़ है, बाकी देखते हैं कैसे क्या क्या आगे करना है, वो चीज़ के बारे में देखते हैं। और तो ये तुम्हारी लाइफ की चल रही है? मेरी लाइफ एकदम चकाचक, मेरी लाइफ एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं है अभी फिलहाल। अबे देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे, मुझे भी मेरे भी लाइफ में भी है, तुम्हारे लाइफ में भी, सबके लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में आजकल बहुत से स्पाइक्स आ रहे हैं। स्पाइक्स मेरे लाइफ में हमेशा आते रहते हैं, मेरे लाइफ में स्पाइक्स हमेशा है, बिना स्पाइक्स से मेरी लाइफ बनी ही नहीं है, पता है मुझे वो। तो मेरे लाइफ में हमेशा स्पाइक्स रहते हैं, क्या किया जाए, तो स्पाइक्स से मैं पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक खोज रहा हूँ, समझ रहे हो, मुझे मैं खुशी को खोज रहा हूँ कि कहाँ मिले मुझे खुशी, कहाँ पे मुझे वो किक मिले, किक नहीं मिल पा रही है, देखते हैं कब मिलती है वो। थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइक्स, हाँ, थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइक्स भी आएंगे लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ आएंगे। बट लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग आगे अभी। और उसके अलावा यार, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तुम्हारे खुशी का राज क्या है, बड़ा बता दो आज क्या ये जो तुम्हारी स्माइल है, इसके पीछे का राज क्या है? ये सही, मैं तो ऐसे ही बचपन से जैसे तुम रोज ब्रश भी नहीं करते उसके बाद रोज करता हूँ मैं
तुम कुछ भी मतलब जैसे रोज ब्रश भी नहीं करते तब भी इतना दाग देते हो। रोज करता हूँ देखो सब बट ठीक है फिर भी। अब इसके बाद आयुष हम लोग को मतलब कुछ कल स्पेशल खिला के दिखाएगा, कुछ स्पेशल बनाएगा कल आयुष। सैंडविच बनाओगे कल वहाँ पर? ब्रेड भी ले आए सैंडविच यार, बोरिंग लगता कुछ अच्छा मतलब तो अच्छा बनाने बनाने के दूसरे में बनाने के तो मतलब क्या बनाऊंगा, हाथ ही हो रहा है ऐसे नहीं बनता। जो बन करे वो बनाओ ना, कल कुछ बनाओ कुछ खिलाओ फिर मजा आएगा। चाउमिन वगैरह भी बना सकते हो? चाउमिन तो बेटा तुम रच दोगे, वो याद है ना तुमको जो तुम बनाए थे चिली पोटैटो? साला इतना तेल था उसमें कि दिमाग खराब हो गया था, सही बता रहा हूँ, इतना तेल हो गया था भाई कि एकदम पूरा दिमाग खराब हो गया था उसको। तो वो तो नहीं बनने वाला अभी फिलहाल। अरे नहीं चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि क्या बनना है, कुछ देखते हैं डिसाइड करते हैं। कभी ज्यादा यही खाया था ज्यादा हम नहीं खाए थे बेटा, ज्यादा तुम खाए थे, मेरा वाला हिस्सा भी तुम ही खाए थे बेटा लपेट के। देखो देखो चेहरे से चल रहा है, कि सब समझ आ रहा बेटा, देखो सरकास्टिक स्माइल देखिए इसकी क्या छुपा के रखा है इस सरकास्टिक स्माइल में यार कितना गुस्सा दे रहे यार क्या छुपा के रखा है इस सरकास्टिक स्माइल में